गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव एंड आई एम प्रेजेंट विद कॉमन एरर्स पार्ट सिक्स। आपको याद है ये वर्ब के कॉन्सेप्ट पे सारी वीडियोस मैं दे रहा हूं। ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट सेवेंथ पार्ट आपके पास होगा जो वर्ब के कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगला एक नया टॉपिक और फिर से कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यानी इससे फायदा ये होगा कि एक टॉपिक पर जितने भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं या दिए गए हैं वो सारे प्रश्न यहां एक साथ आपको मिल जाए, और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आपके मन में आता होगा ना कि इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी दिया जाए इजी कठिन, तो ये यहां देने की कोशिश की गई। पांच पार्ट्स में दे चुका हूं, छठवां पार्ट है। जिन बच्चों को शुरू से पढ़ना हो तो उनके लिए और फायदा होगा कि आप शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट आपका वर्ग का क्लियर हो जाए। ये सेकंड लास्ट पार्ट है और इसमें मैंने सारी जो कॉमन एरर्स आपको दी हैं, उन कॉमन एरर्स में जो वर्ब्स मिलेंगी आपको वो यहां पहले ही मैंने दे दी। और एक नई चीज है जो आप कॉमन एरर करनी चाह रहे हैं उनको पहले ही थोड़ी बहुत चीजें जान लें ताकि वो चीजें आपके लिए इजी हो जाए, स्पेशली मॉडरेट लेवल पर। चलिए शुरू करते हैं, वर्ब्स देख लें। ये वो वर्ब्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना होगा स्विम की सेकंड फॉर्म स्वयं होती है और थर्ड फॉर्म स्वम होती है। ऐसे सारी वर्ब्स हैं, टेयर टोर टॉर्न होता है, लूज लॉस्ट लॉस्ट होता है, लिव लिव्ड लिव्ड होता है, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, सिंग सैंग संग होता है, कैच कॉट कॉट होता है, हेड हेडेड हेडेड होता है, वे वेड वेड होता है, बर्स्ट 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 होता है, शूट शॉट शॉट होता है और लिंक लिंक्ड लिंक्ड होता है। ठीक है, ये सारी वर्ब्स और पिछले जो पार्ट्स में मैंने वर्ब्स दी हैं वो जरूर तैयार कर ले, आगे एग्जाम्स में आप काम आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न मेरा है आपके कॉमन एरर का, देख लें। द चाइल्ड वेट लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट हिज एज। द चाइल्ड वेट लेस, यानी बच्चे का जो वजन है वो कम है, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट हिज एज, यानी उसकी उम्र में जितनी अपेक्षा हो सकती है उससे उस बच्चे का वजन क्या है, कम है। क्या गलत है यहां पे, सोच के देखें, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपके जो वर्ब है वो वेट नहीं होती, वेट नहीं होती, क्या होता है, वे होता है, ये होता है आपका। ये टी जो है हटा दें, ये जी एच, ये वे वर्ब है आपके, तो इसके जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ई डी जुड़ जाएगा। तो लड़का जो है उसका वजन है वर्ब के रूप में, तो वर्ब के रूप में वेट नहीं, वेट तो नाउन हो जाएगा आपका ना, तो फिर ये आपका गलत है। यहां क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई आई जी एच ई डी, वेड हो जाएगा, यानी द चाइल्ड वेट लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट हिज एज। ये सारे जो कॉमन एरर्स है ना वर्ब से संबंधित है आपके, तो ये ध्यान रखकर अगर आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे आज का सिक्स दिन पूरा इजी है आपका। चलिए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में यू मे फाउंड वन आर टू पीपल, हर ग्रुप में आप एक ऐसे कुछ लोगों को पा सकते हैं, एक दो लोगों को पा सकते हैं, हु टेंड टू किसी चीज की प्रवृत्ति होना, आदत होना, किसी चीज के प्रति आपका झुकाव है, तो यू टेंड टू, तो हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल। वोकल क्या होता है, जो मुखर होता है, अपनी बात को पूरी तरह से रख सकता है, वो वोकल कहलाता है। तो इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में यू मे फाउंड वन आर टू पीपल हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल, यानी ग्रुप में आप पा सकते हैं दो लोगों को जो बहुत अधिक मुखर होते हैं। क्या गलत लग रहा है बच्चों, सोच कर देख। अगर आप समझ सकते हो तो ये जो फाउंड है यहां पे ये क्या है आपका, गलत, गलत है ना, क्योंकि फाउंड नहीं हो सकता। फाउंड तो स्थापित करना, किसी चीज की नींव रखना होता है, यहां पे नींव रखने का मसला नहीं है, यहां पे मसला है पाए जाने का। देखिए मे फाउंड,
हो भी नहीं सकता है। यू मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो पाने के सेंस में फाउंड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना फाइंड। चलिए समझ लीजिए, फाइंड होगा न कि फाउंड होगा आपका, ठीक है। तो इन अ ग्रुप यू मे फाइंड, एफ आई एन डी, फाइंड वन आर टू पीपल हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। We had swam across the river before the sun set. वैसे देखें, before के बाद वाली क्लॉज देखिए past indefinite में है, और before के पहले वाली क्लॉज आपकी past perfect में है। लेकिन गलत क्या है, देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि we had, had के बाद यहां क्या लिया उन्होंने, स्वयं लिया। क्या लिया, स्वयं। स्वयं कैसे हो सकता है यहां पे, नहीं होगा। एक मिनट, चलिए। तो जैसे आपने देखा कि हेड के साथ क्या लगा है आपके पास, स्वयं, आप तुरंत समझ जाएं ये पोर्शन क्या है, गलत है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो स्वयं नहीं होगी, क्या हो जाएगी, स्वम, एच डब्ल्यू यू एम हो जाएगी, एच डब्ल्यू यू एम, स्वम, स्विम की थर्ड फॉर्म, ठीक है। समझ लो सब इजी है, बस मेरा टारगेट क्या है, इससे वर्ब के कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें, सारी कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा देना, इसलिए सब मैंने दे दिया ताकि मॉडरेट लेवल बच्चे जो है वो तैयार कर ले और अच्छे बच्चों का पूरा रिविजन हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा। चौथा प्रश्न हमारे सामने, ही टुक अ शार्प नाइफ, उसने एक नुकीला चाकू लिया, एंड टॉर्न द कवरिंग, और उस कवरिंग को क्या कर दिया, फाड़ दिया, मिड ऑफ कार्डबोर्ड, जो कवरिंग किसकी थी, कार्डबोर्ड की थी, समझ दफ्ती कह सकते हैं, बट लेकिन कुड नॉट ओपन द पैकेट, लेकिन वो पैकेट को ओपन नहीं कर सका। यहां कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां गलत क्या है, गलत है, समझ में आ रहा है आपको। ही टुक अ शार्प नाइफ, उसने एक नुकीला चाकू ले गया, एंड टॉर्न, ये पास्ट इंडेफिनिट है यहां पर ना, अगर यहां इंडेफिनिट है तो एंड के बाद जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, तो फिर ये टॉर्न यहां दिया है। टॉर्न मींस क्या, ये टीयर, यही ना, टीयर की पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल में आपको सेकेंड फॉर्म चाहिए, अगर सेकेंड फॉर्म चाहिए तो टीयर की सेकेंड फॉर्म टॉर्न कैसे हो जाएगी, टॉर्न उसकी थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, आपको क्या चाहिए, पास्ट सिंपल, तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी होगी, टी ओ आर ई, यही ना, ये टी है आपका, टी ओ आर ई, यानी ही टुक अ शार्प नाइफ एंड टोर, टी ओ आर ई, टोर द कवरिंग मेड ऑफ कार्डबोर्ड बट कुड नॉट ओपन द पैकेट। ओके, आसान है, समझ रहे होंगे आप बिल्कुल इजी। हमारे सामने है पांचवा प्रश्न, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड, जैसे ही आप यहां पे आए ना आपको इस समझ में आना चाहिए, कैन बी, कैन बी के बाद आपको क्या लेनी होगी, आई थर्ड फॉर्म लेनी होगी, थर्ड फॉर्म लेनी होगी, तो आप देखें क्या ये थर्ड फॉर्म है, नहीं, मैं फिर कहूंगा वर्ब के जितने फॉर्म्स हैं जो मैंने पिछले पास में आपको दिया है वो भी तैयार कर लें, आज जो मैंने शुरू में दिया था वो सारी वर्ब्स की फॉर्म तैयार कर लेंगे तो आपके काम है। होल्ड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो याद है आपको, हेल्ड होती है बच्चों, तो फिर यहां पे आपको होल्ड नहीं, कैन बी के बाद आपको पैसिव वॉइस में जाना होगा, पास्ट पार्टिसिपल लेना होगा, तो होल्ड हो जाएगा, अरे हेल्ड हो जाएगा न कि होल्ड होगा। तो द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, यानी अगली जो मीटिंग है वो अगले सप्ताह हो सकती है, एज क्योंकि वी हैड द फर्स्ट मीटिंग ओवर अ मंथ एगो, क्योंकि हमने पिछली जो मीटिंग की थी वो एक महीने पहले की थी, यानी यहां पे होल्ड के बजाय क्या हो जाएगा, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड हो जाएगा।
चलिए हमारे सामने है छठवां प्रश्न. He was conventional, सही है. इस एमआर वाज वर्ब के बाद या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सही है पैसिव वॉच में. He was conventional, वह यानी उसे विश्वास था दैट he lost the account. He के बाद लॉस कभी आ सकता है बच्चों? लॉस क्या है, याद है आपको? लॉस एक नाउन है. आपको ही के बाद नाउन कैसे चाहिए? ही के बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब. तो एक्चुअली ये वर्ब की गलती है कि हमने लॉस को किसके स्थान पे लिखा होगा, समझ में आ रहा है आपको? हमने लॉस को लिखा होगा लॉस्ट के स्थान पे. किसके स्थान पे? हमने लॉस को लॉस्ट के स्थान पे लिखा. तो यहां जो आपका मैटर है, एक नंबर चूज, इलेक्ट्रॉनिक्स है, परेशान करता है. चलिए समझ गए होंगे. He was conventional, यानी उसे विश्वास था that he lost the account. ये जो loss आप यूज कर रहे हैं ये गलत है, आप गलत है ना. यहां पे आपको लूज की फॉर्म चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आप हैं, तो लूज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट होती है. ठीक है, तो अगर he was convinced that he lost the account, यानी उसका जो अकाउंट था वो लॉस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ बैड लक. किसके कारण? उसके दुर्भाग्य के कारण. यहां लॉस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सातवां. द बॉय वॉज ऑलमोस्ट अस्लीप. अस्लीप क्या होता है? एक एडजेक्टिव रूप में सोया हुआ, यही ना. यानी द बॉय वॉज ऑलमोस्ट अस्लीप, लड़का लगभग सोया हुआ था. वेन जब अ बॉल फाइल्स अक्रॉस द गार्डन, जब एक बॉल जो थी अक्रॉस द गार्डन, बगीचे की एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ती हुई आई एंड हिट हिम ऑन द फुट. और कहां की चोट लगी उसको? पैर पे लगी. ये वर्ड देख रहे होंगे आप, एंड व्हेन अ बॉल, क्या दिया है यहां पे? फाइल्स. फाइल का मैंने पिछली बार बताया था, फाइल्स नहीं होगा यहां पे, क्या होगा? फाइल फ्लाई होगा. चूंकि यहां पे पास्ट में आप हैं इसलिए फ्लाई जब लेंगे तो उसकी सेकेंड फॉर्म क्या लेंगे आप? फ्लेम का प्रयोग करेंगे. द बॉय वॉज ऑलमोस्ट अस्लीप, लड़का लगभग सोया हुआ था. व्हेन अ बॉल फ्लू अक्रॉस द गार्डन, जब बॉल एक तरफ से बगीचे की तरफ से आई एंड हिट हिम ऑन द फुट, और उसके पैर पे आके उसने चोट लगाई. ठीक है, आठवां प्रश्न हमारे सामने. आफ्टर द अलॉटेड टाइम हैड बीन ओवर, दे टर्न ऑफ ऑल द पेपर्स व्हिच दे हैड यूज्ड. देखिए आफ्टर के बाद वाली क्लास किसमें है? पास्ट परफेक्ट में. और आफ्टर के पहले वाली क्लास दे टर्न ऑफ पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए. अगर आपके मन में आ रहा हो इस तरह की आफ्टर द अलॉटेड टाइम हैड बीन ओवर क्यों हो गया, क्योंकि पैसिव में है. जब पैसिव में है तो पास्ट परफेक्ट किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए हैड बीन का यहां पे यूज किया गया है. एक्चुअली एक तरह से देखें तो हैड के बाद बीन यहां जो है वो खुद कौन सी फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में. और इसके बाद ओवर, ओवर मीन्स यहां पे समाप्त हो जाने के सेंस में है. यानी आफ्टर द अलॉटेड टाइम हैड बीन ओवर, यानी जब वो अलॉटेड टाइम तय समय क्या हो गया? समाप्त हो गया. तो दे टॉर्न, दी के साथ सीधे टॉर्न कैसे आ सकता है? वर्ब चाहिए आपको और यहां पास्ट इंडेफिनिट आपको यूज करना है. तो अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है तो दे के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको लेनी होगी. सेकेंड फॉर्म क्या होगी? दे टो हो जाएगा ना. तो रहेगा आफ्टर द अलॉटेड टाइम हैड बीन ओवर दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स, उन्होंने सारे जो पेपर्स थे फाड़ दिए विच दे हैड यूज्ड, जिन पेपर्स का उन्होंने यूज किया था. ये वो पेपर्स हैं जो एग्जाम टाइम में आपको एक्स्ट्रा के रूप में दे जाते हैं. ठीक है, चलिए नवा प्रश्न हमारे सामने है. द कोट वॉज ड्रेंच्ड इन रेन वाटर, यानी जो कोट थी
वो बारिश के पानी से क्या हो गई थी, ड्रेंच भीग गई थी। आई हैंग्ड, एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ऐसे दिया गया था, यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन उन्हें लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं उन्होंने। द कोट वाज ड्रेंच्ड इन रेन, केवल कॉमा दे दिया। आई हैंग्ड इट ऑन द हुक, तो मैंने उस कोट को क्या किया, हुक पे टांग दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये शब्द ना, कि हैंग्ड तभी यूज करते हैं जब आपको क्या देनी हो, फांसी देने वाले हैंग के प्रयोग करना है। तो यहां हैंग नहीं होगा, याद होगा आपको सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हंग। हैंग का लटकाने वाले सेंस में हैंग हंग हंग होता है, और फांसी पे लटकाने वाले सेंस में हैंग हैंगड हैंग होता है। अभी बच्चों देख रहे होंगे ना, वर्ब्स कई बार रिपीट हो रही होंगी तो आपके लिए आसान हो रहा होगा, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज रेगुलर करिए आप, हर हाल में फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, दसवां। द चाइल्ड कट हिज फिंगर, ये कट यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का होगा, जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हैं समझे। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो चाइल्ड के साथ कट सो हो जाता, केवल कट दिया गया है क्योंकि कट के तीनों फॉर्म एक होती, कट कट कट, इसलिए हम मान सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो द चाइल्ड कट हिज फिंगर विद अ रेजर, उसने अपने रेजर से, एक रेजर से अपने हाथ क्या कर लिए, काट लिए। एक्चुअली मेरे बच्चे ने भी एक बार रेजर से हाथ काट लिया था अपना, ये उंगली पूरी काट लिया था, और वो इतना मतलब वो हो गया, नर्वस हो गया, उसने हम लोगों को बताया भी नहीं, मतलब कट गया है। मेरी वाइफ के हॉस्पिटल में थे उस समय, तो फिर वो जाके ऐसे पड़ गए और पूरा ब्लड घर पे, पूरा जब हॉस्पिटल गया तो उसके पहले पूरा ब्लड उसने घर पे सीढ़ियों पे गिराया होगा। दिस इज हियर द चाइल्ड, लेकिन मेरे बच्चे पे नहीं, ऐसा मत समझिएगा। द चाइल्ड कट हिज फिंगर विद अ रेजर, यानी उसने रेजर से अपना जो हाथ था, फिंगर थी, उंगली काट ली, एंड और ब्लीडेड प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली मींस बहुत अधिक मात्रा, और बहुत अधिक क्या बहाया उसने, खून बहाया। ठीक है, आपको याद होगा ना ये वर्ड ब्लीड, मैंने बताया था ब्लीड की सेकेंड फॉर्म बच्चों ब्लीडेड नहीं होती, ज्यादातर बच्चे बच्चों को लगेगा ब्लीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ब्लड होती है। ऐसे ही जैसे ही फ्ली है ना, फ्ली, फ्ली मीन्स डर कर भाग जाना, जिसकी सेकेंड फॉर्म फ्लीड नहीं होती है, क्या होती है, फ्लेड होती है। ठीक है, तो द चाइल्ड कट हिज फिंगर विद अ रेजर एंड अ ब्लेड, हो जाएगा बी एल टी डी। यहां पे जो ब्लीडेड लिखा है यहां पे क्या हो जाएगा, ब्लेड प्रोफ्यूसली। ठीक है, समझ रहे ना। एक्चुअली ये सारी मेहनत जो होती है ये मैं खुद करता हूं, और मेरे पास ऐसी कोई अभी टीम नहीं बच्चों जो सब कुछ से लैश मीन्स सब कुछ जानते हो, सब कुछ सारी सुविधाएं हो, ये जितनी सुविधाएं मेरे पास है मैं बस उन्हीं सुविधाओं का, फैसिलिटीज का यूज करता हूं, और ये सुविधाएं बहुत अधिक नहीं, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आप देख रहे होंगे, फिर भी अपनी कोशिश रहती है कि आपको बेहतर से बेस्ट देने की मैं कोशिश करूँ। ठीक, एक दो जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं हम लोग मिल करके ये सारा प्रयास करते हैं, मन में बहुत चाहत होती है कि ऐसी सुविधाएं हो जहां पे किसी प्रकार कोई रुकावट ना हो। ये जो चीजें हम लोग अभी नई नई सुविधाओं से मात खाते हैं वो इस तरीके की सुविधाएं हैं, सुविधाएं हो जो आगे शायद मिले और आपको मैं और बेस्ट देने की या बेहतर देने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हो उन्हें मैनेज करने की कोशिश करें, न कि उनमें आप कहीं अपने आप को एब्जॉर्ब करें जिसकी वजह से आपका मेन जो कंसंट्रेशन है वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन आपका है, लेट्स ले ऑन द टर्फ। हिंदी बहुत काम की चीज है, हिंदी समझेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी हिंदी है, लेट्स ले ऑन द टर्फ फॉर सम टाइम, चलो कुछ देर तक, कुछ देर के लिए घास पर सो जाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं। और लेट्स के साथ जब भी आएगी कौन सी फॉर्म आएगी, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर फर्स्ट फॉर्म अगर आप ले लेते हैं तो ले आपको याद है ना, ये होता है बिछाना, यहां बिछाने का सेंस नहीं बच्चों, बिछ जाने का सेंस है, यानी लेट जाने का सेंस है, और लेटने के सेंस में ले नहीं होता है, क्या होता है,
लाई होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ले के स्थान पे लेट्स द लाई ऑन द टर्फ, चलो टर्फ पर सो जाते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय। ठीक है, ये सारे वाक्य जो है अगर आप एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके काम आएंगे, बैंकिंग ही कर रहे हो तो भी आपके काम आएंगे, रेलवे में भी आपके काम आएंगे, एनडीए या एयरफोर्स के प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके काम आएंगे, किसी भी लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो ये सारे वाक्य आपके काम में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। 12वां प्रश्न हमारे सामने आ, द यंग चाइल्ड, वो जो छोटा सा बच्चा था, संग अ वेरी स्वीट सॉन्ग, देखते ही आ जाना चाहिए। मैं फिर कहूंगा अगर आप नए स्टडी क्यों दिए हैं, मेरा टारगेट पर वही नहीं जो अच्छे बच्चे, मेरे टारगेट में वो भी बच्चे हैं जो बच्चे मॉडरेट हैं, जिन्होंने इस तरीके के एक्सरसाइजेस नहीं किए, और नहीं एक चाहत होती है कि कोई ऐसा टीचर मिले जो इन छोटी छोटी चीजों को भी मैनेज कर दे। ये बिल्कुल बेस से लास्ट तक है, वर्ब के कॉन्सेप्ट पर मैंने कहा जितने भी वाक्य हैं दिए गए एग्जाम्स में वो मैंने यहां पर आपको दिए। तो जैसे आपने द यंग चाइल्ड संग देखा, तुरंत समझ जाए बच्चों संग तो कभी नहीं, क्योंकि आपको चाहिए यहां पे वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में संग कैसे आ सकता है अकेले बिना हैज हैव हैड वगैरह के। तो आपको क्या चाहिए यहां पे, क्रिया की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल चाहिए। तो द यंग चाइल्ड संग नहीं होगा, क्या हो जाएगा अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो, बच्चे ने एक प्यारा सा गीत गाया, गाया पास्ट इंडेफिनिट, यानी यहां क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा, हो जाएगा द यंग चाइल्ड सैंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग। चलिए 13वां प्रश्न हमारे सामने है, एवरीवन वाज रीडिंग क्वाइटली, हर कोई धीरे धीरे पढ़ रहा था, कब, व्हेन, जब, ये देखिए सही है ना, वाज रीडिंग इज एमआर वाज वर्ब के बाद वर्ब प्लस आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो एवरीवन वाज रीडिंग क्वाइटली, हर कोई धीरे धीरे पढ़ रहा था, व्हेन, जब, सडनली, अचानक, द डोर बर्स्ट ओपन, बर्स्ट ओपन धड़ाक से खुलना, आवाज करके खुलना, जब वो दरवाजा बर्स्ट ओपन धड़ाक से खुला, एंड और अ कंप्लीट स्ट्रेंजर रश्ड इन। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिया आपने, बर्स्ट ओपन पास्ट इंडेफिनिट, द डोर बर्स्ट, बर्स्ट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, एंड और एंड के बाद भी इसका मतलब वही आना चाहिए, तो एंड अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, यहां भी देखिए रश की सेकेंड फॉर्म है, रश्ड इन, कोई गलती नहीं। गलत कब होता, यदि आपको ये बर्स्ट के बजाय कुछ ऐसा दे देता, बर्स्टेड, कंफ्यूज करने के लिए, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो फिर वहां पे बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट तीनों फॉर्म से ही होती है, जैसे फोरकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 पुट, 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 शट, 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 कट, 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 ये ना, तो वैसे ही बर्स्ट भी आपका है, बर्स्ट, 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 दिस मींस नोएर, ये सेक्शन आपका हो जाएगा नोएर। ओके, चलिए 14th क्वेश्चन हमारे सामने है, ये There will be several new visa application centers opened in metros across the country. Across the country, पूरे देश भर। Will be के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया होगा। There will be या तो ing या थर्ड फॉर्म। There will be several new visa application centers opened. सही है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में is, am, are, was, were. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज बीन हैव बीन हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज पैसिव वॉइस। ओके, तो देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपेंड इन मेट्रोज, मेट्रो समझ रहे ना, महानगर, अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश भर में जो महानगर है उनमें वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स विल बी ओपेंड, खोले जाएंगे। किस लिए, मैंने कहा था जब भी इंफिनिटिव का यूज होता है तो वो आपको उद्देश्य दिखाता है, तो टू इजी द प्रेशर ऑन एम्बेसीज, एम्बेसी समझते होंगे, एम्बेसीज पर प्रेशर को टू इजी कम करने के लिए।
यानी जो एम्बेसीज है हमारे उच्चायोग, उन पर दबाव को, प्रेशर को कम करने के लिए जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वो पूरे देश के महानगरों में खोले जाएंगे। ओके, दे विल बी ओपन तो सही है, लेकिन ये देखें क्या लिखा है, टू इजी। इजी कैसा आएगा, टू के बाद वर्ब आएगी ना, ये इन्फिनिटिव है यहां पे, उद्देश्य दिखा रहा है, तो टू इजी नहीं, इजी का जो वर्ब फॉर्म होता है वो क्या होता है, ईज, ई ए एस ई, ये होता है। तो रहेगा देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपेंड इन मेट्रोज अक्रॉस द कंट्री, टू इजी के स्थान पे ईज हो जाएगा, द प्रेशर ऑन एम्बेसीज। ओके, चलिए 15th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, द ट्रस्ट। ट्रस्ट समझते होंगे जो इस तरह होते हैं, राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, यानी जो एक कहीं कहीं सभा होती है या कार्यकारिणी बनाई जाती है ताकि लोगों का सहयोग लेकर के कुछ बेहतर कर सके। तो द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड एडमायरेबली इन राइजिंग मनी, यानी पैसे एकत्र करने में वो जो ट्रस्ट है वो सफल रहा है, फॉर इट्स फ्यूचर प्रोग्राम्स, किसके लिए, पैसे इकट्ठे करने में, अपने भविष्य के प्रोग्राम्स के लिए, यानी अपने भविष्य के प्रोग्राम्स के लिए मनी राइज करने में एडमायरेबली, यानी प्रशंसनीय तरीके से वो ट्रस्ट सफल रहा है। मैं फिर कहूंगा जैसे लाई और ले का जो प्रयोग है, रेज और राइज का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग जरूर, फोरकास्ट का जो प्रयोग है, टेलीकास्ट का जो प्रयोग है, वो जरूर तैयार कर ले, एग्जाम से पूछा जाता है आपसे। तो राइजिंग मनी, अगर आपको इन दोनों शब्दों का फर्क याद, राइज और रेज, अगर कोई चीज उठ रहा है, एकत्र हो रहा है, उठ रहा है, तो वो चीज क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और अगर आप उठा रहे, आप एकत्र कर रहे, तो आप रेज कर रहे हैं। तो ट्रस्ट ने राइज किया कि रेज किया, ट्रस्ट ने इकट्ठा किया ना, यानी ट्रस्ट ने बढ़ाया, उठाया मनी को, एकत्र किया, तो यहां जो राइजिंग का प्रयोग है वो गलत, क्या होगा बच्चों, आर ए एस आई एन जी, आई एन जी है वो, ये देख ले, आर ए आई एस आई एन जी, रेजिंग का प्रयोग होगा। तो द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड एडमायरेबली इन रेजिंग, हो जाए इन रेजिंग मनी फॉर इट्स फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन है, टू लूज वेट, देखिए यहां पे नाउन के रूप में है, टू लूज वेट यानी वजन कम करने के लिए, कट डाउन ऑन, कट डाउन मींस कटौती करना, कट डाउन ऑन व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं उसमें कटौती करें, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और क्या करें, नियमित अभ्यास करें। छोटा सा एरर बच्चों, ये जैसे आपने टू लूज देखा, तो यहां ढीला करने के सेंस में नहीं प्रयोग किया गया, यहां कौन से सेंस में प्रयोग किया गया, कम करने के सेंस में, खोने के सेंस में। तो अगर कम करने या खोने के सेंस में है तो ये लूज होगा ना, न कि डबल। इस लूज में क्या याद है, ढीला होता है, तो यहां ढीले का सेंस नहीं, कम करने, खोने का सेंस है। तो टू लूज वेट हो जाएगा, यानी वचन जब भी वर्ब टू के साथ वर्ब हो तो उसका होता है के लिए या नानी ने वाला खाता है, तो टू लूज वेट यानी वजन कम करने के लिए ये आएगा। चलिए आगे बढ़ो, 17th क्वेश्चन आ गया हमारे साथ, आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली था, दैट डे एक ही साथ है, यानी उस दिन मैं बहुत भाग्यशाली था, एज जब आई कैच अ लॉट ऑफ फिश, जब मैंने बहुत सारी मछलियां क्या कर ली, मैंने पकड़ ली। क्या इतना आसान भी आपको परेशान करेगा, जो उन बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत की हो वो तुरंत समझ जाए कि कैच नहीं होता है बच्चों, कैच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती ना। तो जाएगा आई वॉज वेरी लकी दैट डे एज आई कॉट अ लॉट ऑफ फिश, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़िए, 18th क्वेश्चन आ गया,
18th क्वेश्चन, द डेटा शोज, आप डाटा भी पढ़ सकते हैं, द डेटा शोज, डेटा जो होता है वो सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं, तो यहां नहीं कंफ्यूज होइएगा, ये सही है। द डेटा शोज यानी आंकड़े ये प्रदर्शित करते हैं दैट की द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि जो बेरोजगारी का दर है, देखिए रेट यहां पे है ना, जब रेट है तो सिंगुलर हो गया, यहां हैज आ गया, तो द डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोजगारी की दर हैज रेज्ड। अब यही पे आपके मन में आना चाहिए, या रेज्ड होगा या राइजन होगा, तो आप सोच के देखें बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ रही है या बढ़ा रही है, क्या कर रही है, बढ़ रही ना बच्चों, तो अगर बढ़ रही है, उठ रही है, तो उठने के सेंस में राइज होता है, बढ़ाने या उठाने के सेंस में रेज होता है, तो यहां रेज्ड नहीं होगा, समझ जाएंगे आप, क्या हो जाएगा, राइज होगा, तो हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, राइजन का प्रयोग करेंगे। द डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन टू 6.1% तक बेरोजगारी का डेटा बढ़ चुका है, मतलब रेट बढ़ चुका है, द हाईएस्ट इन 5 years, और संजोग से ये 5 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है। ओके, वैसे भी बच्चों बेरोजगारी बढ़ी रही है, और आप समझिएगा ये जो लॉकडाउन के बाद जो समय आएगा इसमें बहुत कुछ आप परिवर्तित होते हुए देखेंगे, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी तो बहुत सारी चीजें जो होंगी वो नेगेटिव भी होंगी, मेंटली तैयार रहिए और कभी भी हौसला नहीं खोइए, मैं फिर कहूंगा वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जब भी आपको लगे आप टूट रहे हैं, आपका हौसला टूट रहा है, तो अमिताभ बच्चन की आवाज में हरिवंश राय बच्चन जी का वो गीत वो कविता जरूर सुनिए जो यूट्यूब पे है, जिसमें वो कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर लॉकडाउन के बाद स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव भी हो तो आप हारिए नहीं, मेहनत करिए, प्रयास करिए, कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाएगा, समय ले और परसेवरेंस शो करें, मीन्स तो सत्य प्रयास दिखाएं, तो हर हाल में यू विल सक्सीड। ओके, तो 19th क्वेश्चन हमारे सामने है, अ प्रॉपर्टी डीलर, समझते होंगे, अ प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड, मैंने कई बार कहा बच्चों वाज के बाद इज एम आर वाज वर्ग के बाद दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है आप टेंस के रूप में आईएनजी का फॉर्म लें और दूसरा पैसिव, तीसरी भी आपकी है अगर आप उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव वगैरह यूज करें तो अपनी जगह, वर्ब के रूप में दो ही आएगा ना, एक आईएनजी फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म तब आएगा जब एक्टिव वॉइस में होंगे और थर्ड फॉर्म तब आएगा जब हम पैसिव वॉइस में होंगे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, कार्य होता है। ओके, अगर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो समझ जाए वो एक्टिव वॉइस है, अगर सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, जैसे हम कह रहे हैं आई एम कॉलिंग, तो मैं बुला रहा हूं, यानी ये एक्टिव वॉइस है, बट आई एम कॉल्ड पैसिव है ना, मुझे बुलाया जाता है, हिंदी भी इस तरह समझे, तो अ प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड, अब प्रॉपर्टी डीलर ने तो मारा नहीं, प्रॉपर्टी डीलर को मारा गया, यानी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें याद रखना होगा क्या शूट थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं ना, शूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शॉट, बस छोटा सा एरर ये था, अ प्रॉपर्टी डीलर वॉज शॉट डेड बाई 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन, जैकेट क्लैड जैकेट पहने हुए व्यक्तियों के द्वारा, जो 4 यानी जिन्हें पहचाना नहीं जा सका था, यानी वो जो प्रॉपर्टी डीलर था वह शॉट डेड, उसे मार दिया गया किसके द्वारा, बाई 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन, यानी 4 जैकेट पहने हुए उन लोगों के द्वारा जिनकी पहचान नहीं की जा सकी थी, while taking morning walk, जब वो क्या कर रहा था property dealer, morning walk कर रहा था, okay? यहां shoot dead नहीं होगा, क्या हो जाएगा, shot dead हो जाएगा। चलिए 3-4 questions और हैं, देख लें। 20th question आ गया। A snake lived in the hole of a giant tree, giant means विशाल, एक विशाल पेड़ के होल में
वो जो स्नेक था वो रहता था, मतलब कि छोटा सा कंफ्यूजन है बच्चों, बिल्कुल तुरंत आना चाहिए यहां पर ये लीव नहीं होगा। वैसे भी लीव की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लीव नहीं होती, लीव नहीं होती लेफ्ट होती, और यहां इस लीव की आवश्यकता ही नहीं, वह रहता था। रहना किस माने होता है? लिव। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड ये हो जाएगी। तो अ स्नेक लिव्ड इन द होल ऑफ अ जाइंट ट्री हो जाएगा। ओके, चलिए 21st क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सॉरी, ये 21st। अगर आप सोचते हो सर कैसे चेंज हो जा रहा है, तो मैंने पीछे माउस लिया है उससे मैं चेंज कर ले रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। डू यू फील, क्या आपको एहसास है दैट की, देखिए डू के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। डू यू फील, क्या आपको एहसास है दैट की यस्टरडे, कल मीना डिड नॉट संग द पोयम प्रॉपरली इन द क्लासरूम, कि मीना ने कल क्लासरूम में पोयम को ठीक से नहीं गाया। कब? कल। आपको वैसे भी याद होगा जब यस्टरडे है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है ना। तो डू यू फील दैट यस्टरडे मीना डिड नॉट, अब देखिए जल्दबाजी में हम ध्यान न दें तो गलती हमारी होगी, कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आपको याद हो गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म संग कैसे होगा, क्या हो जाएगा, डिड नॉट सिंग हो जाए, बिल्कुल आसान है। चलिए 22nd क्वेश्चन। आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक इन 1990, 1990 में हांगकांग पर जो बेस्ड बैंक था उसे ज्वाइन करने के बाद ही हैज हैज के बाद क्या आएगा, या तो पास्ट रखने के सेंस में कोई नाउन वगैरह आएगा, जैसे ही हैज मनी, ही हैज पेंस, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हेड यहां सर के रूप में नहीं बच्चों, ये सर के रूप में नहीं, हेड मीन्स अगुवाई करना, आगे बढ़ना। तो अगर हेड यहां वर्ब के रूप में है तो हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेडेड, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा After joining the Hong Kong based bank in 1990, he has headed various departments. उसने बहुत सारे departments की अगुवाई की है, including corporate and investment banking. यानी corporate banking और investment banking के साथ साथ उसने बहुत सारे विभागों में headed यानी अगुवाई की, ठीक है। तो यहां head नहीं, headed हो जाए। चलिए 23rd क्वेश्चन हमारे सामने है। अग्रेशन, अग्रेशन में जो होता है आक्रामकता, जब आप झगड़ालू होते हैं तो आपके अंदर अग्रेशन होता है, जो आज की पीढ़ी है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही अग्रेशन है। जैसे मैं मान लीजिए गाड़ी चलाता हूं तो बच्चे जो है इस तरीके से मेरे सामने गाड़ी लेकर इतनी तेज गति से आते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो खुद लड़ने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड अग्रेशन। ओके, और अगर कहीं इधर उधर हो गया वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे और भिड़ जाते हैं। तो दिस इज अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज, टीनेज समझते होंगे यानी 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, सबके लास्ट में देखिए टीन है, टीन में क्या जोड़ दिया गया, एज, यानी 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चे। तो अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज, यानी कुछ जो अल्प वयस्क बच्चे होते हैं उनमें जो आक्रामकता होती है, झगड़ालूपन होता है, मे बी के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसे जोड़ने के सेंस में मे बी लिंकेज टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स इन देयर ब्रेन्स, उनके ब्रेन्स में कुछ लार्ज ग्लैंड्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा। अ न्यू स्टडी हैज फाउंड, जैसा कि एक नए अध्ययन के द्वारा पता चला, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है ना, मे बी लिंकेज, लिंकेज कैसे आएगा, लिंक जोड़ने के सेंस में, तो लिंक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिंक्ड। तो हो जाएगा
aggression in some teenage boys may be linked to overly large glands in their brains. Okay. और ये सेकेंड लास्ट प्रश्न हमारे सामने है. She had such pretty, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा आपने. She had such pretty, she had such what beauty हो सकता है. Pretty तो adjective है. तो मैंने कहा था has, have और had के साथ कभी भी adjective नहीं आ सकता बच्चे, आपको क्या लेना होगा noun. लेकिन यहां पे जो सेंस है पूरा पहले देख लेना. She had such pretty, हमारा सेंस क्या होगा, वो इतनी सुंदर है that की she thinks, वो सोचती है she can afford to be careless about her clothes, कि वो अगर गंदे कपड़े भी पहनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, वैसे घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए. तो she had such pretty, हमारा सेंस था वह इतनी सुंदर है. हमारा सेंस ये had का नहीं, वह इतनी सुंदर है, उसके पास इतनी सुंदरता है. क्या कोई चीज है क्या रखेगी अपने पास, नहीं ना. वह इतनी सुंदर है, क्या हो जाएगा शी इज, और इतनी सुंदर है सो प्रिटी हो जाएगा सो प्रिटी. अब देखिए सही, शी इज सो प्रिटी, वह इतनी सुंदर है दैट की शी थिंक्स. अगर आप लगे सर आप सो क्यों ले लिए, सच क्यों ले लिए, क्योंकि सच प्लस नाउन यूज करिए. सच अ बॉय, सच अ गुड बॉय. सच के साथ तभी एडजेक्टिव आएगा जब उसके साथ क्या ले आप नाउन का प्रयोग करें. लेकिन सो ऐसा है जिसके साथ केवल एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन के साथ भी एडजेक्टिव आ सकता है. ठीक है, आप ऐसे बोलें शी इज सो प्रिटी, प्रिटी या ब्यूटीफुल. ठीक है, वैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल बेहतर होगा, ताकि शी इज सो प्रिटी या ब्यूटीफुल बेहतर होगा. लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन आप इसके साथ नाउन भी ऐसे यूज करें, जैसे ही इज सो गुड अ बॉय. ध्यान रखिएगा बच्चों, सच के प्रयोग के साथ जब नाउन लेते हैं तो आप ए या एन का प्रयोग सच के बाद करते हैं. ऐसे ही इज, यहां लिख दे रहे, चलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, ही इज सच अ गुड बॉय. लेकिन जब सो का लगाएंगे कैसा जाएगा, ही इज सो गुड अ बॉय. ए एन का प्रयोग सो की अवस्था में एडजेक्टिव के बाद है, जबकि सच की अवस्था में वो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले है. ही इज सच अ गुड बॉय, लेकिन ही इज सो गुड अ बॉय, ये स्ट्रक्चर. ठीक है, एक मिनट. चलिए ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देख लें आप. 25th, अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा, इज बेटर, बेहतर है देन बीइंग नथिंग, कुछ न होने का पेच. यानी कुछ होने का भाव नहीं यहां पे बच्चों, यहां भाव है पास में कुछ न होने का पेच. नहीं, आपके पास कुछ भी ना हो इसकी अपेक्षा रोटी का एक टुकड़ा जो है वो बेहतर है. तो अगर पास होने के सेंस में आप ले रहे हैं तो फिर यहां बीइंग नथिंग कैसे हो जाएगा, बीइंग नथिंग के बजाय बीइंग के स्थान पे क्या हो जाएगा, है ये होगा ना. अब देखें, अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा, इज बेटर, बेहतर है देन हैविंग नथिंग, कुछ भी पास में न होने की अपेक्षा. यानी आपके पास कुछ भी नहीं है इसकी अपेक्षा रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी क्या है, बेहतर है. एक प्रयास है और ये 6 पार्ट्स मेरे आज कंप्लीट हुए. वर्ब के कॉन्सेप्ट पे जो लास्ट पार्ट होगा 7वां पार्ट, उसमें आपके कुछ ये ही रहेंगे, आपके कॉमन एरर्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए गए अब तक वो उसमें मैं शामिल करूंगा. और फिर मेरा वर्ब का कॉन्सेप्ट, पहली बार ऐसा मैं कर रहा हूंगा जहां पूरा एक टॉपिक लिया मैंने और उस टॉपिक पर जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिए गए थे, जितने भी कॉमन एरर्स दिए गए थे और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब एक साथ मैंने किया. ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है मेरा, ये जो मेन वर्ब के फॉर्म से संबंधित है, प्राइमरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, उनसे संबंधित चीजें,
आगे ये और विस्तृत रूप में पूरा जो वर्ब आपका पास ऑफ स्पीच है वहां और बेहतर तरीके से चीजें आप मिलेंगे। तो एक एक टॉपिक तैयार करते चले, इस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अब मेरा जो एडिटोरियल का सेक्शन है वो चल रहा है, जरूर पढ़ें आप, विश्वास करें जरूर पढ़ें, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जो चीजें होती है स्ट्रक्चर वगैरह, पीक्यूआरएस सिस्टम और पैसेज रीडिंग, ये सारी चीजें आप एडिटोरियल रीडिंग से तैयार कर सकते। अगर आप अच्छे से एडिटोरियल रीडिंग करें तो आप इसका जबरदस्त फायदा ले सकते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे टीचर्स एडिटोरियल्स पढ़ाते हैं, लेकिन आप ज्यादातर टीचर्स 99% टीचर्स को देखेंगे वो एडिटोरियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं उसकी एक एक लाइन एक एक शब्द पूरा समझाता हूं, उसमें जो ग्रामर यूज किया गया होता है कॉमन एरर्स के सेंस में वो सभी आपको बताता चलता हूं, जिसकी वजह से अगर आप चाहें जो आगे कंपटीशंस आपको देने हैं उसमें बहुत बढ़िया आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने एक बच्चे के रूप में देखा है, जिस बच्चे का नाम है नितिन यादव, जिसके लिए इंग्लिश बहुत आसान थी। क्यों या आसान है क्यों? क्योंकि बच्चे ने मेरे से बताया कि मेरे से पढ़ने से पहले ही वो एडिटोरियल रीडिंग करता था, जिसकी वजह से आज तक मेरे लाइफ के सबसे अच्छे बच्चों में से एक है, या कुछ मायनों में वो सबसे अच्छा बच्चा है। अगर मैं लिटरेचर वगैरह को अलग कर दूं तो बाकी वो हर क्षेत्र में इंग्लिश में वो बच्चा बेस्ट है। आप भी कर सकते हैं यदि एडिटोरियल रीडिंग करें, और एडिटोरियल रीडिंग करेंगे ना देखेंगे चीजें आपको धीरे धीरे और भी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगे। तो पार्ट 7 में हम फिर मिलते हैं, और आशा मैं करूंगा कि आप ये सातों चैप्टर, सातों पार्ट जो है आप अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में काम आए। थैंक यू।